मदरसा बोर्ड के इम्तिहान में जिस तरह से नकल चल रही है, जिन असुविधाओं के बीच छात्र छात्राएं इम्तिहान दे रहे हैं, दरअसल पूरे मदरसा बोर्ड पर ही सवाल खड़े होते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मौलवी काजी की डिग्री बेईमानी लगती है, लेकिन मदरसा बोर्ड में ये गड़बड़झाला हो क्यों रहा है? ये कहना हरगिज गलत नहीं कि मदरसा बोर्ड में मौलवी काजी के इम्तिहान के नाम पर मजाक चल रहा है। वाराणसी मऊ के प्रिंसिपल की माने तो मदरसा बोर्ड की हालत ऐसी है ही नहीं कि इम्तिहान कराए जा सके। इम्तिहान का समय गलत है। इतनी गर्मी में परीक्षाएं होती हैं जब बिजली पानी तक की व्यवस्था भी बोर्ड नहीं कर पाता। बच्चे बिल्कुल कम रोशनी में इम्तिहान देते मिले और फिर जून में तो दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का वक्त होता है। इन इम्तिहान को भी मार्च में करा लिया जाए, फरवरी या मार्च में करा लिया जाए तो हर तरह की सहूलत हो। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर जगह एडमिशन हो रहे हैं, ज्यादातर यूनिवर्सिटियों में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं फॉर्म मिलने। अब ये जून के लास्ट में इम्तिहान हो रहे हैं, जून में हो रहे हैं, रिजल्ट आपका जुलाई में आएगा, तो अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे, इनका मुस्तकबिल क्या होगा। सारी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिससे जूझ रहा है, सेंटर भी जूझ रहा है, सारे जूझ रहे हैं। इस तरफ जो है हुकूमत को ध्यान देना चाहिए कि बोर्ड के साथ खिलवाड़ न करें। मदरसा बोर्ड का मकसद है कि बस परीक्षाएं हो जाएं। कैसे, इससे कोई मतलब नहीं। प्रिंसिपल भी कहते हैं कि अगर एक दिन में दो दो पर्चे कराए जाते हैं तो फिर छात्र छात्राएं नकल क्यों ना करें। अजीब मामला है कि एक एक दिन में दो दो इम्तिहान होते हैं। एमए का इम्तिहान, एमए स्तर का इम्तिहान है और एक दिन में दो दो पर्चे हो रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों पर कितना बोझ पड़ रहा होगा, किस जहनी उलझन से वो जूझ रहे होंगे या वो कैसा इम्तिहान हो सकता है। परीक्षकों को 35 से 65 रुपए तक का मेहनताना तय होता है पर मिलता नहीं है। परीक्षा करा रहे सेंटर की माली हालत भी खस्ता है और सरकार से इन्हें कोई मदद नहीं मिलती। इस तरीके से माध्यमिक में हुकूमत तमाम सहूलतें फराहम करती हैं, हमारे साथ वो मामला नहीं है। बल्कि तकरीबन मैं 12 साल से सेंटर इंचार्ज की हैसियत से काम कर रहा हूँ, अब तक कोई भी सेंटर के नाम पर कोई खर्च नहीं मिला है। सेंटर संचालक कहते हैं मदरसा बोर्ड की हालत सुधारने के लिए सरकार से बार बार कहा जा चुका है, पिछले 5 साल में सेंटर्स को कोई मदद नहीं दी गई है। ऐसे में बोर्ड जैसे तैसे इम्तिहान करा रहा है। वाराणसी में सुशांत मुखर्जी के साथ मऊ से प्रदीप सिंह, सहारा न्यूज ब्यूरो।